ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट डिस्कस अबाउट द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। देयर आर थ्री मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। फर्स्ट इज द वड़ीसा झारखंड बेल्ट, दिस इज द वड़ीसा झारखंड बेल्ट, एंड नेक्स्ट इज अ दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, एंड थर्ड इज अ बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तुमाकूरु बेल्ट इन कर्नाटका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस मैग्नीज। मैग्नीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। नियरली 10 केजी ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। समझिए बच्चों, 10 किलो मैग्नीज की रिक्वायर पड़ती है जब हम 1 टन स्टील बनाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टीसाइड एंड पेंट्स। जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, इंसेक्टीसाइड मीन्स कीट पतंगों को मारने के लिए कोई दवा बनाते हैं, या फिर हम पेंट बनाते हैं, तो उसमें हम मैग्नीज का यूज करते हैं। दिस फिगर शो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2009 and 10, हियर इज द वड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज एंड देन आफ्टर मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बी डिस्कस नॉन फेरस मिनरल्स। हमने आपको पहले ही बताया था कि नॉन फेरस मीन्स वो मेटल्स जिनमें आपको लोहा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज कॉपर। स्पेशली कॉपर का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक केबल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कोई केमिकल फैक्ट्री जहाँ पर होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं कॉपर। देखो बेटा, यहाँ पर ये जो कप दिख रहा है ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग देखते होंगे जब आप इलेक्ट्रिक केबल को छीलते होंगे या कोई और मेटल, तो इस तरह की धातुएं आपको उसमें से निकलती होंगी जो कि कॉपर है। नेक्स्ट इज अ बॉक्साइड। इट इज अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एलुमिना एंड लेटर एल्युमिनियम इज ऑब्टेंड। बॉक्साइड डिपॉजिट आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन द एल्युमिनियम सिलिकेट्स। इंडियाज बॉक्साइड डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी। स्टूडेंट्स, ये बॉक्साइड की इमेज है जिसको आप देख सकते हैं। ये पत्थर के रूप में पाया जाता है जिनको हम निकाल करके मेरी इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट नॉन मेटालिक मिनरल्स। फर्स्ट नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम लेते हैं मीका। मीका इज अ मिनरल मेड अप अ सीरीज ऑफ प्लेट्स ऑफ लीव्स। स्टूडेंट्स, ये मीका की तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं। ये जैसे लगता है कि एक लेयर में मिट्टी में जब ये मिलती हैं, जब रॉक्स या प्लेटू को खोदा जाता है तो उसमें लेयर के रूप में मिलते हैं, इसी तरीके का मीका होता है। इसका रंग ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, येलो आर ब्राउन, किसी भी तरीके का ये हो सकता है। ये ज़्यादातर आपको छोटा नागपुर के प्लेटू में मिलेंगे इस तरह के मीका। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट, यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल, मिनरल्स जो भी बनते हैं बेटा, इनको बनने में 1-2 साल नहीं लगते हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ द ईयर्स इनको लगते हैं कंप्लीट होने में। चाहे वो आपका कोल हो बेटा, चाहे पेट्रोलियम हो, जो भी थिंग्स हो, अगर इन मिनरल्स को हम ऐसे ही छोटे छोटे कामों में यूज़ करके या ज़्यादा यूज़ करके, ओवर यूज़ करके इनको हम अगर हम ख़त्म कर देंगे, तो शायद इन फ्यूचर हमारे लिए जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको ये सारे मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। और आज आप जान ही रहे हो,
हमारे वर्ल्ड की या हमारे इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं अप्रोक्सीमेटली टोटली डिपेंड अपॉन द मिनरल्स, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे आयरन हो, स्टील हो, बॉक्साइट हो। सो इट इज़ अ नेसेसरी टू सेव दीज मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ एनर्जी रिसोर्स। नाउ द फर्स्ट इज अ कोल। यू ऑल ऑफ नो कोल इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कोयले का यूज करके स्टूडेंट्स हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। इनके साथ साथ कोयले से हम हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी फैक्ट्रियों में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आप कोयले का फिगर आपके सामने है, जिनको आप देख सकते हैं। कोयले का यूज फैक्ट्रियों में करके मेल्ट किया जाता है आयरन ओर्स को भी। सो इस तरीके से कोल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, और इसका यूज हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखते हैं। अब जब हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात किया ही है, तो बेटा इसमें हम विंड इंक्लूड करते हैं, सोलर पावर, बायोमास, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। चलिए वन बाय वन करके इनको हम समझते हैं। स्टूडेंट, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द कोल। फर्स्ट इज द पीट, सेकंड इज अ लिग्नाइट, थर्ड इज अ बिटुमिनस एंड फोर्थ इज अ एंथ्रासाइट। एमंग देम पीट इज अ लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल इज अ एंथ्रासाइट। द मैप ऑफ इंडिया दैट शो द कोल फील्ड यू कैन सी सम कोल फील्ड्स आर लाइक एज द तलचर, झरिया, बोकारो, रानीगंज, कोरबा एसेट्रा। नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स इज अ पेट्रोलियम। आप सभी लोग अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते होंगे, अपनी गाड़ियों में डीजल का यूज़ करते हैं। ये एक पेट्रोल पंप का फिगर है, इसको देखिए। तो हम लोग पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं स्पेशली अपने व्हीकल्स को, अपने इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो कि हमारे इंडस्ट्रीज़ को रन कराती है और हमारी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करती है। हम इस तरह कह सकते हैं कि पेट्रोलियम आर द मिनरल ऑयल इज़ द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर द कोल। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट फॉर द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सम इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड सच एज द अंकलेश्वर, दिस इज द मुंबई हाई एंड डिगबोई इन आसाम। नेक्स्ट टॉपिक इज अ नेचुरल गैस। यू ऑल ऑफ नो अबाउट द CNG दैट यूज टू रन द व्हीकल्स। नेचुरल गैस वो गैस होती है जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, तो उनके साथ में नेचुरल गैस निकलती है। ये हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इट प्रोड्यूस अ वेरी लो क्वालिटी ऑफ कार्बन। इसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बन का प्रोड्यूस होता है। ये हमारे मेजर नेचुरल एरिया हैं जहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है, जैसे कि आपकी मुंबई हाई है, अंकलेश्वर में पाई जाती है, और इधर आपके आसाम और डिगबोई में भी पाई जाती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। यू ऑल ऑफ नो अबाउट दिस फिगर। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन एनर्जी सोर्स। When we produce electric from the running water, this is known as the hydroelectricity। जब हम नदियों के बहते वाटर को रोक करके डैम बना करके उनसे लाइट प्रोड्यूस करते हैं बेटा, तब उसको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और जब हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तब उसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कुछ एरियाज हैं, जैसे कि आप देखिए भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है इधर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। इसमें है आपका सोलर एनर्जी है,
विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बायो एनर्जी है और एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट है। लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज न्यूक्लियर आर द एटमिक एनर्जी। न्यूक्लियर आर द एटमिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय द यूरेनियम एंड द थोरियम। यूरेनियम एंड द थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। ये आप फिगर देख रहे हैं जो कि एक किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज का एरिया दिखाया गया। इसमें सम मेन न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया सच एज द नरोरा इन यूपी, रावत भाटा इन राजस्थान, काकरा पारा इन गुजरात, कैगा इन कर्नाटक, कल्पक्कम इन तमिलनाडु एंड सो ऑन। नेक्स्ट सोलर एनर्जी। द सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाई द सन रेज। वी यूज़ द सोलर पैनल। ये आपका सोलर पैनल है बेटा, जिनसे आप सन की जब रेज आती है इस पर ट्रैप करती हैं तो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर पैनल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट फ्यूल माना जाता है, सबसे बेस्ट एनर्जी स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगता है। हम बस सोलर पैनल को लगा दें और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते रहें। नेक्स्ट इज विंड पावर। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। आपने देखा होगा कि ऐसे एरिया जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे कि हमारे कोस्टल एरिया में, उनमें से तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, यहाँ पर विंड एनर्जी हम बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्री का मीडियम होता है जिनके थ्रू हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारी विंड मिल्स हैं जिनका यूज हम करते हैं और विंड मिल्स विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो एरिया हैं जहाँ पर हम विंड मिल्स का यूज करते हैं, बिकॉज दीज आर द कोस्टल एरिया और ओशियन से आने वाली हवाएं टकराती हैं विंड मिल्स पर, जिनसे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एनर्जी जा बायोगैस। ये देखिए फिगर में, यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, जिन टैंक में काउ डंग या सम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लाके डाल दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं गाँव में गोबर हुआ या कुछ ऐसे मटेरियल जो सड़ जाते हैं, उनको लाकर के इन्हीं टैंकों में फिल कर दिया जाता है और फिर इनके बाद इनको ढक दिया जाता है और इसमें पानी डाल दिया जाता है। पानी डालने के बाद फिर क्या होता है, उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है जिनको कि बाहर निकाल करके लोग अपने घरों में यूज करते हैं या फिर एनर्जी के लिए यूज करते हैं। एक बेस्ट मीडियम है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। इससे होता क्या है कि जो गैसें निकल करके हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं, हमें हार्म पहुंचाती हैं, वही गैसें हमारे यूज में आ जाती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ हीट। आपने देखा होगा अर्थ के अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है, तो उनमें क्या करते हैं हम लोग, डिगिंग करके उन एनर्जी को बाहर निकालते हैं और उनका हम यूज करते हैं। सो इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी का एक फॉर्म बनता है जिसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। आई एनर्जी दैट प्रोड्यूस बाय द टाइड्स ऑफ ओशियन एंड सी इज नोन एज टाइडल एनर्जी। दीज आर द ओशियन। ये फिगर इनसाइड द ओशियन का है जिसके अंदर हमने अपने टर्बाइंस यूज कर दिए हैं। जब सी वेव्स आती हैं या फिर जाती हैं वापस, तो इन ब्लेड्स पर वो टकरा जाती हैं, जिनके टकराने से होता क्या है कि जब ये ब्लेड्स रन करते हैं तो इनके थ्रू बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। क्या नीड है, क्या ज़रूरी है इनको कंजर्वेशन करना, क्यों, वाई? बिकॉज आप समझिए बेटा कि जितने भी एनर्जी रिसोर्स हैं, सच एज पेट्रोलियम, कोल या भी जो हमारे और एनर्जी रिसोर्सेस हैं जिनका हम यूज करते हैं, अगर इनको हम सेव नहीं करेंगे
तो हाउ कैन आवर जनरेशन अलाइव, कैसे जिंदा रहेगी, कैसे हाउ कैन दे सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करेगी, इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए जितनी हो सके उतनी ही एनर्जी हम यूज करें, अदरवाइज हम कम ही एनर्जी यूज करें। जैसे कि हम जब घर में लाइट जलाते हैं, टीवी पंखा चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक टाइप होती है थर्मल एनर्जी की, जो कि कोयले से प्रोड्यूस की जाती है। अब हम जितना वेस्ट करेंगे इस एनर्जी को, उतना ज़्यादा हमारा कोयला वेस्ट होगा और उतना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा। तो कहीं ना कहीं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हियर दिस फिगर शो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे समझा होगा। जो भी दिक्कतें होंगी या जो भी समस्याएं आपको होती हैं, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, हम ज़रूर सुधारेंगे। ओके बाय एंड हैव अ गुड डे।